दोस्तों, जब कभी भी हम एक नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में सुनते हैं या नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो मन में सबसे बड़े दो सवाल आते हैं, पहला रेंज और दूसरा चार्जिंग टाइम। तो इसी चार्जिंग टाइम को कम करने के लिए अल्टीग्रीन ने अपना न्यू तेज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च किया है, जिसके अंदर सिर्फ 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर उसी के सभी डिटेल्स जानेंगे। जानने से पहले शाबू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे करके जरूर पूछ लेना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं अल्टीग्रीन के तरफ से आने वाली न्यू तेज इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में। दोस्तों, 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज होने के लिए अल्टीग्रीन ने एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है। इस ऑटो रिक्शा के अंदर एक्सपोनेंट की तरफ से आने वाली बैटरी लगेगी और एक्सपोनेंट की तरफ से आने वाला चार्जिंग पंप पे जाके इसको चार्ज करना पड़ेगा इतना जल्दी चार्ज होने के लिए। और एक्सपोनेंट एनर्जी की तरफ से बताया गया है कि जो चार्जिंग टाइम है वो रिड्यूस होने के लिए मेनली इनके BMS के अंदर काम होता है। इस BMS के जरिए ही फास्ट चार्जिंग होती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर अगर आप फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो पहले से ही वीडियो बना के रख चुका हूं, जिसकी लिंक आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। दोस्तों, अगर इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बेसिक स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो सभी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के जैसे ही इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं, वही मेटल बॉडी और फ्रंट में दो हेलोजन हेडलैम्प्स और बड़ी सी विंडो स्क्रीन, सेम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। अगर ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो फ्रंट के अंदर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिया गया है और रेयर साइड हमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं जो कि हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड के साथ काम करते हैं। अगर हम इस ऑटो रिक्शा के सस्पेंशन देखा जाए तो फ्रंट में और रेयर के अंदर हमें कॉइल स्प्रिंग डंपेयर के साथ दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके ऑटो रिक्शा के स्पीड और बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने के लिए यहाँ पे 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। दोस्तों, यही इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेसिक स्पेसिफिकेशन है, जो रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर भी सेम मिलते हैं। खास चेंजेस कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं इसके अंदर। तो इस ऑटो रिक्शा के मेन परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों, अल्टीग्रीन ने इस ऑटो रिक्शा को कार्गो सेगमेंट में L5 कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया है, लेकिन कंपनी की तरफ से एग्जैक्टली नहीं बताया है कि इस ऑटो रिक्शा के अंदर कितना पेलोड कैपेसिटी हम डाल सकते हैं, लेकिन हम जो रेगुलर पेलोड कैपेसिटी 500 से 600 तक इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस पेलोड कैपेसिटी को लोड करने के लिए जो कंटेनर दिया है वो फुल बॉक्स कंटेनर दिया हुआ है। उसके अगर डायमेंशन देखा जाए, लेंथ हमें 6.2 फीट का मिलता है, वेट 5 फीट का मिलता है और हाइट 5.3 फीट का मिलता है। ये क्लोजिंग कंटेनर है तो 177 क्यूबिक फीट का कंटेनर मिलता है। अगर हम इस ऑटो रिक्शा की टॉप स्पीड देखा जाए तो 53 किलोमीटर पर आवर की दी गई है, और इस स्पीड को और इस लोड को कैरी करने के लिए जो मोटर दी गई है उससे हमें पीक पावर 8.25 किलोवाट की मिलती है और पीक टोर्क हमें 45 Nm का मिलता है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर 18% यानी लगभग 11 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी दिया गया है। और इस ऑटो रिक्शा के बारे में हमारे मन में आने वाला पहला सवाल रेंज की अगर बात की जाए तो ARAI सर्टिफाइड रेंज हमें 98 किलोमीटर का दिया गया है, लेकिन इसका टिपिकल ड्राइविंग रेंज जो 80 से 83 किलोमीटर तक मिल सकता है सिंगल चार्ज पे। अगर हम इस रेंज को देने के लिए फ्यूल का काम करने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 51 वोल्टेज की 8.2 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे ई पंप और ई बैटरी मिलती है जो कि एक्सपोनेंट एनर्जी की तरफ से इस ऑटो रिक्शा में लगाया गया है, जिसके अंदर 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और इस ऑटो रिक्शा पे अल्टीग्रीन की तरफ से 5 साल की वारंटी 1 लाख किलोमीटर पे मिल रही है, जो अभी तक जितने भी ऑटो रिक्शा देखे हैं ऐसा बहुत ही कम है कि 5 साल की वारंटी हमें दी गई है किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। और ओवरऑल इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस अगर देखा जाए तो 3,47,000 से शुरू होकर 3,52,000 तक जाती है। वैसे प्राइस तो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि फास्ट चार्जिंग के जो ऑटो रिक्शा होते हैं आपको 3.5 से 4 लाख के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग से भी ज्यादा फास्ट है तो प्राइस में भी ठीक ठाक ही है। और इसके अलावा जो बैटरी और मोटर है वो IP67 रेटेड है। इसके अलावा बैटरी के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है जिससे बैटरी ज्यादा हीट नहीं होती है। और इन सभी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर एक्स्ट्रा फीचर के नाम पे GPS भी मिलता है और IoT मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। इसके अलावा अगर प्रोज और कॉज देखा जाए तो प्रोज के अंदर तो कहूंगा जो दूसरा सवाल यानी चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम हो गया इसके अंदर। इसके अलावा वारंटी के अंदर भी सबसे ज्यादा वारंटी इस ऑटो रिक्शा पे हमें मिल रही है। अगर कॉज की बात की जाए तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर होम चार्जिंग नहीं होने वाला है जहां तक मुझे पता है। इसके साथ साथ इस यहां पे चार्जिंग कॉस्ट क्या होने वाला है, ई पंप से आप चार्ज कर ले सकते हैं लेकिन ई पंप से चार्ज करेंगे तो कितना पैसा चार्ज करते हैं वो एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कंपनी की तरफ से।
मे भी कुछ दिन के लिए फ्री भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो पैसा ही देना ही पड़ेगा ना। और इन सभी के अलावा इस ऑटो रिक्शा को खरीदने के ऑप्शन अगर देखा जाए तो अल्टीग्रीन बहुत तेजी से अपना डीलरशिप एक्सपैंड कर रहा है, तो आपके सिटी में भी अवेलेबल होगा मे भी, तो देख लेना। लेकिन इस 15 मिनट चार्जिंग वाला जो स्टेशन है उसको भी आपके सिटी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेटिव आप घर पे चार्ज करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ ई पंप के ऊपर ही जाके चार्ज करना होता है। तो आप ये ऑटो रिक्शा लेंगे तो आपको ई पंप भी आपके नियर बाई होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थे अल्टीग्रीन के तरफ से आने वाले न्यू तेज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के परफॉर्मेंस। इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के चार्जिंग को लेकर आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।